सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू लाइव जुड़ गया हूँ। फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर हाँ, और ईसा बॉर्डर हो रहा है, बागा बॉर्डर है। दिखा दे भाई मेरा तुम कैमरा मैन का तुम्हारा सारे अरे नुन तक दे, ये दिखा दे रॉन्ग साइड चलना, ये देख लो राई के आ रहे ना करेन है ओम, हम तो देसी बोलिया ना करेन है देसी जाम। फिलहाल खाकी के कई रूप हुए, लेकिन खाकी वाले ने नुगा भाई करमू घना गला पड़ावा, तू चाह पी ले कुल्लड़ वाली चाय प्याई है ना। मैं जाऊंगा बॉर्डर पार करके किसानों के बीच में जाऊंगा। अरे ये भी इन नहीं तो इनका बाप ने दादा ने खेती तो करे रखी है, हाँ तो ये किसान पुत्र है बनू है, बेल्ट की नौकरी हमारे बंधे हुए हैं। और यह अच्छी बात लगी कुल्लड़ की चाय है। और मैंने कहूँ था किसान, किसान की शान खतरा में है। ये जो किसान है वह जो किसान आंदोलन है वो किसान रेजिमेंट में तब्दील हो गया गे। और किसान का जो महाकुंभ है मैं दिखाऊंगा तुमने तस्वीर लाइव, चलो गले गले तो किसान महाकुंभ दिखाऊंगा। फिलहाल धन्यवाद भाई तारा, धन्यवाद युगड़ा खुल जगह मेरा, क्योंकि मैं तो पानी पी कर कोशिश करूँ, तो हमने चाह पिया दी कुल्लड़ वाली, इब चाह पी कर कोस देंगे। ये आप देख लो ये इस टाइम शाम, अरे थोड़ा पीछे हो जा, राम राम जी राम राम। ये देखो ये बैरिकेडिंग करी गई है। फिलहाल एक तरफ करंग करंग, एक तरफ मेरा 16 नहीं लेफ्ट हैंड है, दिखा दे भाई दिल्ली का रास्ता है। उड़ान है प्रशासन यानी कि सरकार, नून तक किसान की ओंकार और उड़ान तक प्रशासन की या सरकार की हाहाकार, दोनों बात है। फिलहाल मैं भीतर जाऊंगा किसान बीच में जाऊंगा। और मैंने कहा था किसान आंदोलन किसान रेजिमेंट में तब्दील हो गया कि या किसान रेजिमेंट तो नहीं होगी। और जो किसान है किसान की शान खतरा में है गे, देखेंगे। और कई डाल की बात लिखकर काम है, कुछ नू भी कम है, कुछ शरारती तत्व भी बीच में है, तो उसमें कितनी सच्चाई है किसान है कि किसान आंदोलन को गुमराह करने का कोई षड्यंत्र है। चल भाई क्या दे चलो चलो भाई, रोल नंबर एक, रोल नंबर दो, रोल नंबर तीन, रोल नंबर चार, रोल नंबर पांच, रोल नंबर छह, अरे हाँ जी तो कोई गंदा नहीं, चलो चलो चलो। यू वोटर है कई, ये देखो आप, मैं कहूं था नहीं कितने बड़े बड़े पत्थर उड़ाए गए हैं, ये देखो देसी पत्रकार। जो किसान अपने खेत की रक्षा करने खातर बैठ लाग रहा है उस किसान को प्रतिभा हाँ चाहिए तो सरकार ने प्रशासन ने केला दिए, ये ला दी मेरे कहला लाइव जुड़े रही हो, मैं किसानों के बीच में पहुंचूंगा। ये बैरिकेडिंग करी गई है, आ जाओ राम 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 राम। किसान के जो सिर हैं वो नीचे ऊपर को मेट्रो चलती है, लेकिन 21वीं सदी में हाँ तो किसा है यू आंदोलन। फिलहाल किसान अड़ा आंदोलन होगा बड़ा, किसान अड़ा आंदोलन बड़ा, सब ने कह दिया हम बुरा दिन जावांगे, हम जावांगे हम कड़े जावांगे, कड़े जाने की तैयारी है, कड़े जाओगे कहाँ जाओगे, कितने जाना जी, कितने जाना जी, जिते आगे नहीं जाना है और जाना है आगे, अभी तो दिल्ली दूर है, कोई बात नहीं जी, बस यहाँ दिल्ली से यही है, यही है जिन्ना लोड़ा पे जान गए थे जी। नहीं मैं मेरे कान च गल गली सी ओ गली है कि भाई हम राम लीला में किसान लीला दिखाना चाहते हैं, किसान लीला दिखा देंगे जी, दिखाएंगे दिखाएंगे, बुराड़ी बेच रही है सरकार, नहीं जाएंगी नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, बैठेंगे यहाँ पर, वहाँ क्यों जाए, इनके जो हुकूमत है क्या पहले भी नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी, अच्छा नहीं नहीं वहाँ जो सरकार है वहाँ बहाएंगे, 25 किलोमीटर कहते हैं दूर चले जाओ, 25 किलोमीटर दूर गोला पर कौन फिर की देवत है, कौन फिर की देवत है, कौन लेवत है, उस चीज की पड़ताल में कण पहुंचाऊं। थोड़ा सा जो साइड में मैं दिखा दूं, यू बॉर्डर बनाया गया है, मैं इसने देख के कहूँ यू बागा बॉर्डर है, अब टिकरी बॉर्डर है, आजा भाई, अरे बोले तू इसके अगले यार। ये देखो फिलहाल टुकड़िया में मैं कहूँ था यू किसान महाकुंभ हो गया, किसानों के जत्थे हैं जगह जगह, मैंने देखा किसान को हरियाणा में रोकने खातर करेन अड़ाई, पत्थर अड़ाए, जेसीबी अड़ाई, और भाई वाटर कैनन आसुगास के गोले बिरन के कर, लेकिन किसान जो किसान रेजिमेंट है वह जो किसान आंदोलन किसान रेजिमेंट में पड़ेगी तब्दील होगी, वह किसान रेजिमेंट पड़ेगी पहुंच गई टिकरी बॉर्डर, इब टिकरी बॉर्डर पार करेंगे अग्नि करेंगे, आड़ा सरकार और प्रशासन आमने सामने। चलो मेरे गले दिखा रहा हूँ मैं तुमने दृश्य, और सुनो एक तरफ है झंडा, इसके नीचे डंडा,
लेकिन देखो कई लाल की बात सुन, मां एक चीज तो मैं अपील करूंगा, कानून हाथ में लियो ना, ठीक है। चलो ये देखो, ये देखो ये इसका आई कार्ड है, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, पूरा बड़ा है, पूरा बड़ा मोनू भाई, हमारी वीडियो देखो बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब कर रखी है। नाम क्या है? मोहित तैकस भाई, हरियाणा ने भी देख लिए, प्यास है, प्यास है। कर्म भाई एक बार जय हरियाणा, सारे भाई निर्वाणा से एक मिनट, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा। तेरा सुन, तेरा तरीका गलत, तेरा तरीका गलत, दिखा दूं मैं। सुनो मुद्दा गंभीर है, किसान अड़ा है, आंदोलन बड़ा है, एक तरफ सरकार में हाहाकार, दूसरी तरफ किसान की ओंकार, किसान की ललकार। फिलहाल आप देखोगे, एक मिनट भाई, एक मिनट दिखा दूं मैं, दृश्य दिखा दूं, आ जाओ। हाँ अच्छा, ओहो ये देखो, एक मिनट आ जाओ ऊपर, चलो बैठो, एक मिनट बैठ जा, मेरा कैमरा मैन को जरूरी ऊपर, कैमरा मैन ने भी साथ में चढ़ा हुआ है। देख लो भाई, सुनो एक मिनट, सुनो आराम से, ले भाई सुनो, सुनो। हाँ भाई कहाँ से आयो, कहाँ से आयो? पंजाब से। पंजाब से कितने दिन के लिए रुकोगे? जितना टाइम चलेगा काम उतना टाइम रहेगा। और फिर जी कितने दिन का राशन लेके आयो? समय लीजिए ना, टाइम मोदी बाप से लेंदा राशन नहीं रोक रहा, राशन रोक रहा। हाँ जी, कम से कम 6 महीने का राशन तो साथ लेके आए हैं हम। फिलहाल थोड़ा पीछे मैंने कहा था किसान पे अल है, लेकिन किसान का अल किसे पे को नहीं। और जो आंदोलन चला इसमें बात चली कई डाल की, भाई कुछ शरारती तत्व घुसरे हैं, उसमें कितनी सच्चाई भाई? कती है सच्चाई को नहीं भाई, किसान भाईचारा खड़े आयो, कौन सा गवाह है? किसान भाईचारा, सारा किसान भाईचारा भाई, सारे किसान भाई, किसान है भाई सारे, कोई फर्क नहीं है, भाईचारा है, सारे किसान भाईचारा खड़ा है और कुछ नहीं खड़े, बीजेपी के तत्व है और कुछ को नहीं बात। सुनो एक बात सुनो, किसान 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 का सिस्टम है, सिस्टम का किसान नहीं है, किसान का सिस्टम। पहले किसान फिर सारी बात, किसान है तो किसान आंदोलन को नहीं। एक मिनट जो किसान आंदोलन है, ये किसान रेजिमेंट में तब्दील हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि किसान तो सिस्टम चल रहा है और सिस्टम तो किसान जिब जिब चल रहा है। 13 अगस्त 1978 में भी नू होया था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री था, और जब किसान गए थे इकट्ठे हो गए, उन्हें सुनी कौन थी? फिर आंसू गैस के गोले जो फेंके थे, वह गोले किसानों ने भीतर फेंक दिए थे। नू कह गए ए लो ले लो बोल गए। क्यों? क्योंकि किसान अपनी धुर्री है, उस बिना कुछ को नहीं। जब किसान के ऊपर आँच आओगी तो किसान, वो एक किसान जो आंदोलनकारी किसान है, वो किसान रेजिमेंट में तब्दील हो जाएगा और अपने ऊपर आँच आन को नहीं देवे। फिलहाल हम देख रहे हैं सारे बंधन तोड़ गए, क्रेन अड़ाई, जेसीबी अड़ाई, बुलडोजर अड़ाए, बड़े बड़े डंपर अड़ाए, और भाई प्रशासन का अमला जमला अड़ाया, और भाई आरएएफ और भाई बीएसएफ बिना लिखे खड़ा दिया। लेकिन उसके बाद किसान पहुंचे हैं, ई बढ़ गए, उनको बुराड़ी कौन जान दे। हम जाओगे रामलीला में किसान लीला दिखान, तो किसान लीला दिखान चाहूंगे। एक मिनट भाई, थोड़ा दूर जा। चलो ये दृश्य है, हमारे दृश्य मीडिया खराब कर रही है, रुक जाता हूँ, मेरा तू ना अंकल मेरा रूम मार के पाऊंगा को बात हुई।
बात है यार, सही मानता नहीं गला पड़ा ला रहा बकवास कर कोई बात नहीं आराम से बिल्कुल भाई मैं बोलने ला रहा हूँ फिर बीच में बकवास कर सुनो भाई सुनो 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 ध्यान से कान होते बहरे हैं जो आंख होते जो आंधे हैं उन खतरा माए हाँ और यह चीज कहना आए हाँ भाई किसान तो आप हाँ अपने तक किसान को नहीं सिस्टम तक किसान ने क्यों चलावे हैं किसान तो सिस्टम चलाना पड़ेगा और भाई सुनो एक मिनट आप कहाँ से आजी होगी थी आपकी बात हम पंजाब तो हैं हम पंजाब से पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से हैं जब दुखी हैं तभी इधर आए हमारी रोटी रोजी को कोई जा रही है आप मीडिया वाले गलत प्रचार मत करो आप हरियाणा के बीच से आयो स्वागत हो अग्नि तरह हरियाणा वालों ने बहुत स्वागत किया पर हरियाणा जो सरकार है उन्होंने हमारे लिए खड्डे खोदे हमारे लिए बैरियर गेट किया तो किसान भाइयों ने बहुत मदद करके हमें इधर लगाया है किसान वो किसान अच्छे हैं कल कल कुछ लाठी चार्ज हुआ था कि कल कल की सुन मारी है यहाँ कल कल हुआ था किस टाइम की बात है ये सुबह की बात है कल भाई अच्छा 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 तो एक बार कह दिया बुराड़ी जाओ बुराड़ी से मना कर रहे हैं बुराड़ी से क्यों मना कर रहे हैं भाई उड़ा तो ये कट्ठे करके बंद कर देंगे ठीक है कट्ठे उड़ा इलाका एक डेढ़ बंदा कट्ठा हो सके एक डेढ़ लाख उड़ा चारों तरफ से सील कर देंगे पी के वाला काम हो गया ई गोला पर कौन फिरकी देवत है कौन फिरकी देवत है कौन देवत है चलो गेम खेला जा रहा फिलहाल 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 आर पार कर नहीं माना है भाई किसे की भी फरकी कत्ती नहीं माना कत्ती नहीं माना भाई आर पार करके जाएंगे चलो एक एक मेरी बात एक निवेदन है भाई कानून हाथ में लेना दूसरी बात भाई। दूसरी बात सुनो कुछ लोग आंदोलन खराब करने की कोशिश कर सकते हैं मैं जमा सही कहूँगा सुनो क्योंकि हर जान कीमती है आपने किसान आंदोलन को जीतना भी है और गिल्ले गिल्ले आपने अपनी जान भी बचानी है एक मिनट यहाँ भाई मैं बताऊंगा मेरा ध्यान पड़ गया मेरे कैमरामैन का ध्यान पड़ गया अखिल भारतीय जाट युवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है विक्रम देशवाल राम राम जी सारे एक चीज में तो साचा लिख रहा तो ना कही थी मैं पब्लिक के बीच में पाऊंगा राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है पब्लिक के बीच में है यह बात साची लगी भाई के सिस्टम दिख रहा है लागे के है भाई प्रशासन अपनी जगह खड़ा है और किसान हमारे बुजुर्ग हमारी अपनी जगह खड़े हैं दूसरी बात खड़े रहने की जो बात थी ना मेरे भाई बात थी इनके साथ खड़े रहने की अब इनके साथ खड़े रहने के लिए मैं यहाँ नंबर बनाता थोड़ा ना 150 आदमी लेगा हूँ या तो वो इनके साथ है जो इनके बीच में बैठा है अच्छा बुराड़ी में और रामलीला ग्राउंड में इसमें क्या अंतर है बुराड़ी और रामलीला ग्राउंड में ये अंतर है कि वो निरंकारी सत्संग भवन है इनका ठीक है निरंकारी भवन में ये जाके वहाँ बैठा दिए जाएंगे वो गुरु घर हो जाना है कुछ कह नहीं पाना इन्होंने ठीक है और रामलीला मैदान में सरकार जो है सत्ताधारी हो रहा है उसमें जो है ना ठीक है रामलीला मैदान जो है वहाँ पे ये हमेशा से वो धरने प्रदर्शन की जगह रही है तो रामलीला मैदान में और ये फर्क है वो राजनीतिक और धार्मिक का फर्क है तो मैं देख रहा था काफी सारी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है बैरिकेडिंग करी गई है अलग अलग आंसू गैस के गोले छोड़ने की तैयारी करी गई है वाटर कैनन की तैयारी करी गई है कुछ किसानों को दे भाई वाटर पानी मारेंगे तो नहाने की जरूरत को नहीं हम तो नहा जावांगे पानी मार लो कितना मारना है नहा लेंगे तो भाई जिस आश्रु गैस और जिनकी बात कर रहे उनके लिए खड़े तो है सबसे आगे सबसे आगे इसीलिए खड़े कर लो क्या करेगा प्रशासन तो अच्छा एक चीज और सुनो सत्ताधारी पार्टी को वह है नू का है भाई बैक डोर तक राजनीति हो रही है ये तो इस तरह की बात चलने लग रही है इसमें सच्चाई कितनी है एक बात बता देना तू खुद तने पिछाड़ के चलो यो काम कर दिया एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिकेड के सामने रिंग के बराबर में खड़ा क्या की राजनीति है अगर राजनीति होती तो मैं 100 आदमी नहीं लेकर रुक के मरवाऊंगा एड खड़ा हो गया चलो चलो फिर ये आंदोलन ऐसा है बाप बाप हो है बेटा बेटा होता है इनको बाप तक ही रहने दो अच्छा मैं रास्ता बता रहा था 20-25 किलोमीटर लंबा काफिला था मैंने देखा ट्रेलिया में बड़े बड़े टोपिए बड़े बड़े कढ़ाए चून के कट्टे पालन सारी तैयारी करी गई है मतलब लग गया 1978 वाला आंदोलन बन जाएगा यू क्योंकि वो एक साल चला था बन गया भाई बन गया ये 1978 से आगे जाएगा अच्छा अच्छा 1978 से आगे इसलिए जाएगा कि आज अठधर्मी सरकार बैठी है आज जब देश का अन्नदाता यहाँ तक पहुँच गया इतने दिन से संघर्ष में है 2 महीने से कोई इनकी सुनने वाला भी नहीं आ रहा कुछ लोग नु कह रहे हैं भाई बीच पे चला रास्ता काटना चाहिए कुछ लोग अड़ जाएंगे माम पीछे नहीं हटाएंगे आप लोगों ने क्या लगा ये तीनों अध्यादेश है जो ये
त्रिशूल जो है सरकार का चल रहा है, जो जमा खत्म होना चाहिए या इसमें कुछ चौथे की बात कर रहे हो या फिर बीच में चला गया रास्ता? देखो तीनों खत्म हो जाएं तो किसानों के लिए बहुत अच्छा, हालांकि मैं इस बारे में कोई राय अपनी देना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये किसानों का फैसला, इन्होंने अपने आप लेना है। नहीं तो कम से कम MSP को 1.5 गुना करके और उसमें ये लिखा जाना चाहिए कि इससे नीचे को खरीदेगा तो जेल जाएगा, गारंटी दी जाएगी, गारंटी दी जाए। चलो हमारे मामलों को गारंटी की क्या गारंटी है, जा भी बात है, चलो पीछे जाओ, गारंटी की क्या गारंटी है, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, एक चीज जरूर कहेंगे, बेबाकी के साथ हमने कहा था बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे, बेबाकी तो हम कहेंगे टिकरी बॉर्डर का पार्ट टू है और यू बाघा बॉर्डर में तब्दील हो गया। एक तरफ किसान की ललकार है, दूसरी तरफ प्रशासन की हाहाकार है, हाहाकार है। और जो हरियाणा के देखो मैंने कौन था कुछ को था हरियाणा वाले को नहीं, हरियाणा वाले भी हैं, पंजाब वाले भी चलो मैं एक चीज कहूंगा, सरकार ऐसा काम क्यों करे है जिस पे डाला पे बैठे हो ये काटेंगे। और मैं एक चीज और सुनो, मैंने कहा फिर वही बात मेरे पक्का ही बिना रहा, मैं घने कह दूंगा भाई नो बता, ओ किसान उस किसान की शान खतरे में क्यों है जो किसान अन्नदाता धरती पुत्र आज रोड पे सोवे है, सड़क पे सोवे है, सड़क पे खावे है, सड़क पे नावे है, और सड़क पे और सुनो और सड़क पे जावे है, समझ लो कड़े जावे सड़क पे जावे है, ओ अन्नदाता जिसका अन्न अपने तकावे है, अन्नु को है बोले अन्नु का हम नहीं जाने का, हम नहीं जानेगा, ये बिल जानेगा, बिल जानेगा, EBS सिख साहब खड़े सरदार जी खड़े हैं, सरदार भी है असरदार एक नहीं, असरदार एक नहीं, असरदार है अजी, मेरा गला खराब है, गला क्यों खराब है बताऊंगा मैं, क्योंकि लगातार लगातार इस अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, दो महीने हुए और तैयारी करी गई थी सरकार अड़कम ले रही थी और भाई सत्ताधारी पार्टी अड़कम ले रही थी, नू सोच रहे थे आओगे रुक के मारेंगे गड़ा पड़ाओगे और चले जाओगे, लेकिन नू को नहीं सोचा था तारे जो खड़े हैं उन्हें पार करके JCB ने तोड़ के बैरिकेडिंग ने तोड़ के और क्रेन ने अटैक है और उस बॉर्डर पर थे शंभू बॉर्डर पर थे NH1 का बॉर्डर पर थे, मन दिखाया था भाई जेड सिक्योरिटी लार के थी, इतनी बड़ी जेड सिक्योरिटी की जरूरत के थी, सवाल हमारा यू आंदोलन कर रहे हैं बात रख रहे हैं बात करो, चलो फिलहाल ये दृश्य देखते रहो, फिलहाल ये दृश्य देखते रहो, एक ये किसान महाकुंभ है, किसान महाकुंभ भाई यू मेला है और ये देखो आप ये देखो मैं कह रहा था भाई प्रदर्शन के बीच में आप ये देखोगे, ये देखो प्रदर्शन गंदा पानी होता है, यह सुना है बैरिकेड बड़ा बड़ा होता है, यह सुना है बैरिकेड बड़ा बड़ा होता है, गाने का माध्यम कट्टर कहता पंजाब का बॉर्डर सील वील होता है, पंजाब का बॉर्डर सील वील होता है, पंजाब कहता है ये तो बॉर्डर टूट वूट जाता है, बड़ा बड़ा बैरिकेड उखड़ उखड़ जाता है, यार सुना है वाटर कैनन गंदा पानी होता है, यार सुना
राम राम राम। चलो फिलहाल 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 पार्ट टू पर मैं छोड़ देता हूँ। राम राम भाई पार्ट टू पर छोड़ के दे रहा हूँ। अनाउंसमेंट होने लग रही है बार-बार। राम राम भाई राम कर ले कर ले कर ले लाइव कर जाएगा और उत्तर तो लगा। राम राम भाई एक हो अगर गोदी मीडिया और एक है ये भाई जो अरे की दरातल की न्यूज दिखावे सच्ची न्यूज दिखावे है। ये जो बॉर्डर पार खड़े है ना ये है सारी गोदी मीडिया और ये जो भाई है ये अरे की दरातल की न्यूज सच्ची दिखाओगे। और भाई मैं हूँ आड़ा बादलगढ़ का रहने वाला। आड़े चाहे अनशन कितने दिन चल जाओ आड़े बैठे रहो। चलो भाई हम बादलगढ़ के खाने के दाने की एक कमी नहीं रहने देंगे। मतलब सारा खाना किसान ना की देंगे। चाहे घर का कम में राशन आओ भाई सारा आड़े जवान ना तैयार किसान ना तैयार। मैंने कल सुनी थी भाई गुरुद्वारा पे राशन आने पर रोक लगी थी तो बादलगढ़ वाले तैयार है। भाई बादलगढ़ वाले पूरे तैयार है साथ दे रहे थी। चलो अपनी अपनी जान दे देंगे अपना बलिदान दे देंगे और भाई दिल्ली कूच करेंगे। और पूरी मोदी सरकार ने काले कानून ने वापस लाऊंगी कभी। टीकरी वाले भी टीकरी वाले भी पात्रगढ़ वाले भी सोनीपत वाले भी आ रहे हैं। चलो फिलहाल फिलहाल मेरा सवाल है बेबाकी दे सत्ताधारी पार्टी दे ईसा काम क्यों करो हो तार पे भूंड लग गए फिर तारने कम है भाई या क्या करी और यू ठप्पा लग जाएगा। ये जो तीन अध्यादेश है जैत हमनों को भी इससे किसान का फायदा है और सरकार का जो घाटा है तो ईसा घाटा सरकार क्यों करे फिर क्यों करे सरकार घाटा फिलहाल 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 पंजाब पंजाब के जो किसान है हरियाणा सरकार के फिल्टर पड़ते हुए दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गए भाई। पंजाब में क्या क्या करते उड़ता पंजाब भाई पंजाब वाले ने दिखा दिया पंजाब की फसल भी असली है और पंजाब की नस्ल भी असली है और उतनी असली हरियाणा की असली है। पंजाब का हरियाणा पूरा साथ है कभी दिल्ली कूच करेंगे भाई। उड़ता पंजाब नहीं ये संभलता पंजाब है संभलता करते सर मैं पाथरी में मिलूंगा। चलो सरकार की बोल खोलने का एक मिनट करिए। सुनो भाई मैंने कहा था ये ट्रेलर है एक मिनट आश्रम थ्री का ट्रेलर है बाबा जाने मन की बात और ये किसान जाने मन की बात बाबा जाने मन की बात जप नाम जप नाम जप नाम और जपते डस नहीं बन जाए किसान का डस सरकार का नहीं लाई जाए। यू मारा सवाल है क्यों ऐसा काम करे जावे जिस तरह सरकार पे सवाल उठे हैं है? और भाई और सुनो उसमें आश्रम टू में डायलॉग है बाबा लाएंगे क्रांति लेकिन अब किसान क्रांति है यार।